हम लोग अभी सतमेरी गांव के तरफ कनकई नदी किनारे किनारे होते हुए इस पगडंडी के सहारे यहाँ पर जो है हम लोग इस सफ़र को कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों ने बताया कि 40 से 50 घर जो है उजड़ गए हैं। हम लोग नदी के किनारे किनारे होते हुए उस गांव में पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ मसूद भाई और खबर सीमांचल की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। लोगों का यहाँ पर कहना था कि जब बाढ़ के हालात यहाँ पर थे तो कोई भी प्रतिनिधि या प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आए, लेकिन आज खबर सीमांचल की टीम यहाँ के हालात से आपको वाकिफ कराएंगे कि सतमेरी गांव का क्या हालात है। चलिए अब हम लोग यहाँ के लोगों से यहाँ के समस्याओं के बारे में जानें। अभी हम लोग बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लौचा पंचायत सतमेरी गांव वार्ड नंबर 12 जो कनकई नदी किनारे स्थित है, यहाँ पर एक गांव हुआ करता था जो पूरी तरह से उजड़ गई है। यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या जानेंगे। उससे पहले मैं दिखा दूँ, हम सतमेरी गांव पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण है, क्योंकि उनका घर उजड़ रही है, उनके आंखों के सामने नदी में जो है समा रही है घर। ये दिखा दे रहे हैं आपको, जीव जीव नदी का जो है तेज धारा बहती जा रही है, और धीरे धीरे जो है यहाँ से ये जो है नदी कटाव बिल्कुल अपने चरम पर कर रही है, नदी कटाव कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रैक किया हुआ है, कुछ ही देर में ये गिर जाएंगे। चले उससे पहले यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि कितने लोगों का घर यहाँ पर उजड़ा है और कितने लोग जो है बेघर हो गए हैं। और यहाँ कम से कम 50 घर बह गए, और बात बांगे अभी इधर अभी कम से कम 100 घर पीछे छे, मगर यहाँ कोई प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचो। विधायक पहुँच ले? नहीं पहुँचले, विधायक तक नहीं पहुँचो। खबर खरीद ले ले? खबर खरीद कोई नहीं रहो, यहाँ बार बार फोन कराल जाए कोई नहीं उसे। यहाँ बिल्कुल गरीब आदमी छे, और यहाँ खाने खाना वगैरह एकदम लोग मोहताज छे कि कोई यहाँ खाना नहीं पको, उच्चे जगह देने बच्चा बाल बच्चा के रखे। और जब बार उसे होते यहाँ मैंने की कोई दरकार निकासी नहीं हो तूफान से। हाँ कम से कम ये गल्ला एक बुक पानी जा कोई इधर निकासी नहीं हो जी। ऐसा आज तक कोई प्रशासन मैंने की छा तक यहाँ तक हुआ नहीं हुई अब तक न्यूज हो दखवार देने। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अब तक कोई भी प्रतिनिधि या प्रशासन के लोग यहाँ के लोगों को देखने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन खबर सीमांचल की टीम इन सभी मुद्दों को लेकर के इस यहाँ पर तीन किलोमीटर जो है पैदल चल करके सतमेरी गांव पहुँची है। यहाँ के महिलाओं से भी हम पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पर यहाँ के महिलाओं मुसीबत है। तुमसा कुछ नहीं मिलो यहाँ पहले घोर तोड़े फोड़े जाएगी। कि वोरा की करो भोट मंगवा होना सब माँ बहन मोर बहन बोले माँ खाला फूफू कई वोरा भोट नहीं आ, लेकिन आज तो कोई भलकटी मरवा नहीं बोले छा जाबी साहब भोट मंगवा दे छा बोल घोर घोर बेहाल अंगना अंगना बेहाल माँ बहन कहीं कहीं गेल, लेकिन आज तो वहाँ भलकटी मरवा नहीं हुई है। विधायक विधायक भी नहीं है नहीं बोल क्या छे विधायक विधायक तहसील आलम साहब वो दखवा नहीं हुई है वो नहीं हुई है 20 साल से लगातार यहाँ से जीत रहे हैं तो एक बार नहीं हुई है। कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है क्षेत्र में। बस मुसरे लाल 10 टका काम करो 100 टका बिल बना। ये आप इन लोगों का जो है दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं सतबीटा गांव में लगातार यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। ठेकेदार बोल ठेकेदार को भीख देख टाके पास में भीख दे बोले मैं गेट बांध करूँ तो क्या सरकार पता नहीं दो तो आप भीख मांगो यहाँ उसे आधा घंटा पहले ठेकेदार बोल बता बोल चाचा परेशानी यहाँ का परेशानी देख के अब हम बोलेंगे क्या। कोई आगे देखता नहीं है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है तो यहाँ का हालत तो बुरा है ही है। तो कम से कम कोई आगे देख ले प्रशासन वाला तो पेशेंट के बारे में। एक तो पेशेंट अगर जी यहाँ से कुछ हो जाएगा या डिलीवरी या कोई इमरजेंसी पेशेंट हो जाए तो यहाँ पे मर जाएगा तरफ के वो बेचारा, तो कहीं नहीं ले जा सकता है वो, नहीं ले जा पाएगा। ये हमारा विधायक तुलसी बालम साहब ना बिल्कुल चोर बैठा हुआ है, वहाँ पे इंसानियत का काम नहीं कर रहा वो। हम लोग वोट दिए हैं उसको बहुत बार उसको। गांव में किस तरह से लोग रह रहे हैं जिनका घर नदी में बह गया है पानी में बह गई है, किस तरह से लोग रहते हैं यहाँ के लोगों से सुनते हैं की कमन गड़े की रोई
हमरा कमन की रोची दे दी ओसे गट्ठा पानी खा दो कमन कमन के ला खावा पीवार तकलीफ सब आता है तकलीफ छे ये दूसरा जगह रोची हां दूसरा घोर पर की होल अंदर घोर ला होई नदी नदी बह गेल सब लगा नदी चले गेल घोर द्वार इधर नदी की बोलिस हमरा एक गठा पानी छी बिना जाना जमे छी और हम चार बहुत लगरा तकलीफ छे और ई गल्ली कंटर पानी गया हमरा इच्छा उसास भागी छ ओई बिछरो तो दौड़ हो जा छा सांप बिच्छू लत पर बहुत डोर छे तुम चार घर नदी चले गेल तो हम चार घर नदी पर काटे पर हमरा बिना दखवा नहीं कोई तलस रहा सो बाप भाई कोई तलस रहा कोई नेता नंबर कोई नहीं कोई नहीं नेता नंबर कोई नहीं है चमचा दवा कोई नहीं कुछ नहीं बार बार देखे जा सब कुछ कोई देखे सब को देखे जा खाली यार कुछ नहीं करी काफी परेशानी है देखे देखे हंस हंस जा सारा सबको हंस हमरा कान ही ठपक ने लल बिलोची सात मेरी गांव का हाल दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग यहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं यहां के लोगों का जो है आप समस्या सुने आपको कैसा लगा यहां की समस्या से अवगत हुए आप कमेंट करके बताइए और हमारी टीम इसी तरह लोगों की समस्या को आप सबों के समक्ष रखती रहेगी प्रशासन से यहां के लोग जो है मांग करते हैं कि यहां पर भी जो है रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था की जाए प्रतिनिधियों से भी इन लोगों ने मांग किया है कि यहां के लोगों की जो समस्याएँ हैं वो जल्द जो है उनकी समस्या दूर की जाए और इसी तरह से आपको हम आगे भी यहाँ के हालात से जो है रूबरू कराते रहेंगे से खबर सीमांचल के लिए पप्पू कुमार मसूद आलम के साथ मैं शेरशाह